हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये क्लास लेकर आ रहा हूँ टेंसेस की। देखिए, टेंस जो होता है वो पूरी इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का एक बेस होता है, आधार होता है, और जिसके ये टेंस क्लियर होते हैं उसका ग्रामर ट्रांसलेशन शब्द ही मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, और इसी के आधार पर आगे कंप्लीट जो भी ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, वो सब कवर होती है। तो देखिए, इस टेंस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। जिसने आज ये क्लास कर ली, इस पूरी क्लास में पूरे 12 टेंस में तैयार करा रहा हूँ, और बहुत ही थोड़ा सा स्पीड से लूंगा, समझते चले जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं टेंस होता है। टेंस का मीन्स क्या होता है? टेंस का मीनिंग होता है काल होता है या समय होता है। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे कि संस्कृत में लकार कहते हैं, तो इसलिए टेंस यानी कि टाइम, और टाइम यानी कि काल, काल का मतलब समय यानी समय। इसका मतलब पूछा जाता है कि कितने टेंस होते हैं, तो बता दिया जाता है कि 3 टेंस होते हैं। तो याद रहे, 3 टेंस नहीं होते, इट इज ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइम। ये तो केवल समय का विभाजन है। इसको हमने टेंस को 3 भागों में बांटा है। देखिए, यहां से सब ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा कि ये 3 टेंस होते हैं जो टेंस का विभाजन है, समय का विभाजन है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है, पास्ट टेंस भूतकाल है, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल है। तो देखिए, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो कि अब चल रहा है, आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, ये क्या कहलाएगा? ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। पास्ट टेंस भूतकाल, बिफोर सम टाइम्स व्हेन आई वाज नॉट टीचिंग यू, वो अब टाइम क्या हो गया? वो भूतकाल हो गया, बीता हुआ हो गया। और फ्यूचर टेंस, आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास को ओवर होने के बाद जो समय होगा वो हमारे लिए क्या है? फ्यूचर टेंस है। इस प्रकार से हमने समय को 3 भागों में बांट लिया है। अब हम देखते हैं कि इनमें से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यदि हम इनका विभाजन करें तो हम इनका विभाजन कैसे करेंगे? प्रत्येक टेंस को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 क्या होता है? देखिए, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस के प्रकार हो गए, यानी प्रेजेंट टेंस के भी ये 4 प्रकार हैं, पास्ट टेंस के भी ये 4 हैं, फ्यूचर टेंस के भी ये 4 हैं, और 4 × 3 = 12। तो देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेज इन आवर इंग्लिश। हमारी इंग्लिश में कितने प्रकार के टेंस हैं? 12 प्रकार के टेंस हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। दिस इज द सिलेबस ऑफ टेंसेस, यानी 12 टेंस हमें पढ़ने हैं, यही टेंस का पाठ्यक्रम होता है। लेकिन अब हम आगे जानेंगे कि ये इंडेफिनिट टेंस इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, इसमें सभी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, सभी सेंटेंसेस में जो समय होता है वो अनिश्चित होता है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया था, वह स्कूल जाएगा, अनसर्टेनिटी ऑफ द टाइम, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? अनिश्चित। उसके बाद दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? वह स्कूल जा रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह स्कूल जा रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह स्कूल जा रहा होगा। तो इस प्रकार से जहां पर जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ द टाइम पाई जाती है, समय की निरंतरता, अर्थात कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसका लगातार होना पाया जाता है, सतत रहता है, इसीलिए इसको हमने निरंतर, चूंकि इसमें कार्य निरंतर रहता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम दिया। परफेक्ट टेंस क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि इसमें कार्य पूरा हो जाता है। वाली प्रेजेंट परफेक्ट है, वह खाना खा चुका है, पास्ट परफेक्ट में खाना खा चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट में वह खाना खा चुका होगा। तीनों टेंस में हमने देखा, तीनों प्रकार के वाक्यों में, कि कार्य पूरा हो गया है, इसीलिए इसे परफेक्ट टेंस बोला गया है। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इन दोनों को मिला दिया गया। पहले मैं कहता था कि वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि वह 2 बजे से खाना खा रहा है, तो इसका मतलब
उसका कार्य प्रारंभ करने का समय दे दिया गया, एक तरफ का समय दे दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर आगे कंटिन्यूटी है, निरंतर आगे जारी रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम टेंस होता है। जैसे कि वह दो बजे से खाना खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वह दो बजे से खाना खा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद वह दो बजे से खाना खा रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे 12 टेंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। इन 12 टेंसेस में से हमें कितने प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं, कैसे कैसे वाक्य पढ़ने हैं, तो प्रत्येक टेंस में चार प्रकार के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं। नंबर वन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिनमें की नोट दिया हुआ होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक तो होता है लेकिन उसमें नोट नहीं आता। और चौथा, इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक भी होता है और साथ ही साथ इसमें नोट भी दिया होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम चार प्रकार के जो सेंटेंस पढ़ेंगे, इनमें जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे, नहीं, सेंटेंस होती क्या चीज है, सेंटेंस मिलकर किससे बनता है। तो देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस हमने ले लिया और इस सेंटेंस की हमने यहाँ पर ये देखिए ये भाग बना दिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य का करने वाला होता है। और उसके बाद एचवी, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है, जिस टेंस का वाक्य रहा होगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो भी उसमें निर्धारित है वो लगेगी। उसके बाद एमवी आता है, एमवी का मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जिस टेंस में जो भी क्रिया निर्धारित की गई है। फर्स्ट फॉर्म में ऐसी या ईएस लगना है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है या सेकंड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है, वो एज पर रूल ऑफ द टेंस लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं। देखिए, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए बेजानदार है, एक जानदार है, तो इंग्लिश का नियम ये है कि जो जानदार है उसकी अंग्रेजी पहले लगेगी और जो बेजानदार है, निर्जीव है, उसकी अंग्रेजी बाद में लगेगी। तो इस प्रकार का हम ये बिल्कुल यहाँ पर नियम का ध्यान रखते हैं। उसके बाद ये देखना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, चलिए एचवी तो टेंस की आ गई, एमवी भी टेंस की आ गई, ऑब्जेक्ट भी हमने ये मान लिया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कहीं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो कहीं पर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर भी सब्जेक्ट होते हैं। तो कहीं पर हमने देखा है कि हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है, किस टाइप से हम उनको उनके साथ यूज करते हैं। तो मेन जो रोल होता है वो हमारे प्रोनाउंस का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है डुप्लीकेट, हमारा प्रोनाउन मान लीजिए डुप्लीकेट, कौन सा प्रोनाउन डुप्लीकेट में क्या लिखा जाएगा, और किस प्रोनाउन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी और अपने आप की अंग्रेजी क्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, हमने ये बना लिया, एक चार्ट बना लिया, बहुत इजी हो जाएगा इसके माध्यम से। तो यहाँ पर ये ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सात प्रोनाउन होते हैं जो बेसिक प्रोनाउन है, ओरिजिनल फॉर्म कहलाता है। ये प्रोनाउन का क्या है, ओरिजिनल फॉर्म है। उसके बाद जब इनका ओरिजिनल फॉर्म है तो निश्चित रूप से कोई डुप्लीकेट फॉर्म भी होता होगा। तो याद रखिए, ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, और आई कॉमन होता है, कहीं पर एक वचन माना जाता है, कहीं पर बहुवचन के रूप में इसमें क्रिया लगाई जाती है। मान लीजिए कहीं पर होता है मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो एक वचन की क्रिया लगी। लेकिन यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो आई के साथ हैव लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ डू नॉट लगेगा। तो इस ये कॉमन रहता है, कहीं पर इसमें एक वचन की क्रिया लगती है, कहीं पर बहुवचन की क्रिया लगती है। लेकिन वी, यू, दे, वी, यू, दे, ये जो है ये प्लूरल नंबर होते हैं, बहुवचन होते हैं, बहुवचन के रूप में यूज किए जाएंगे। यहां पर नीचे देख रहे होंगे, एवरीवन है, वन है, राम है, सीता है, ये भी सब एक वचन सब्जेक्ट होते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि ही का डुप्लीकेट क्या होता है, हिम होता है, और सेंटेंस में जब अपने की अंग्रेजी आती है तो इसके साथ क्या लगता है, ही के, इसके साथ में अपने की अंग्रेजी लगती है हिज, और अपने आप की अंग्रेजी लगती है हिमसेल्फ। मान लीजिए मैं कहता हूं वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन, ही लर्न्स हिज लेसन, और मैं कहता हूं वह अपना पाठ अपने आप याद करता है, वह अपना पाठ स्वयं याद करता है, वह अपना पाठ खुद याद करता है, तो ही लर्न्स हिज लेसन हिमसेल्फ।
तो यहां पर देखिए वो कभी कभी सिंटेक्स में ये जो गलती देता है ही के साथ वो अपने की अंग्रेजी दूसरी लगा देगा या अपने आपकी अंग्रेजी दूसरी लगा देगा। तो निश्चित रूप से इस चार्ट से हम जान लें और बहुत अच्छी तरह से इसको जो है अपने माइंड में प्लेस दें कि किसके साथ कौन सी इंग्लिश लगती है। सी के साथ देखिए सी का हर डुप्लीकेट है और हर ही अपने की अंग्रेजी लगेगी सी के साथ, हर सेल्फ अपनी आपकी अंग्रेजी। इट के साथ डुप्लीकेट भी इसका इट ही होता है लेकिन अपने की अंग्रेजी इट्स है और अपने आपकी अंग्रेजी इट सेल्फ लगेगी। आई कॉमन है मैंने बताया था, तो आई का डुप्लीकेट हमेशा क्या होता है मी होता है और इसमें अपने की अंग्रेजी जो लगेगी वो माई लगेगी, अपने आपकी अंग्रेजी माई सेल्फ आई के साथ। वी के साथ देखिए वी का डुप्लीकेट अस होता है और अपने की अंग्रेजी वी के साथ आवर लगती है, अपने आपकी अंग्रेजी आवर सेल्फ लगेगी। यू का डुप्लीकेट भी यू ही होता है और अपने की अंग्रेजी योवर लगती है, अपने आपकी अंग्रेजी योवर सेल्फ लगती है। दे के साथ देखिए दे का डुप्लीकेट देम देम होता है और इसमें अपने की अंग्रेजी दे के साथ दियर लगाएंगे और इसमें दियर सेल्फ या कभी कभी देम सेल्फ भी लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा एवरीवन आता है, एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड। तो देखिए ऐसे सेंटेंस आते हैं तो एवरीवन के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लगाइए, अपने आप की अंग्रेजी हिमसेल्फ, लेकिन एक वर्ड होता है यहां पर वन, वन का मतलब ये कि होता है वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस लगती है और अपने आप की अंग्रेजी वन सेल्फ लगती है, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं होता, मैंने डैश लगा दिया। राम है एकवचन करता है, अपने की अंग्रेजी हिज लगेगी, बहुवचन में यहां पर जाके अपने आप की अंग्रेजी हिमसेल्फ लगेगी। और सीता फेमिनिन जेंडर है, उसके साथ अपने की अंग्रेजी हर और अपने आप की अंग्रेजी हर सर। बाय द वे यहां पर कोई ग्रुप होता बॉयज होता गर्ल्स होता तो कॉमन उसके साथ अपने की अंग्रेजी दियर लगती और अपने आप की अंग्रेजी दियर सर्स लगेगी यदि बहुवचन होगा। अब हम देखेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, किस टेंस के अंतर्गत हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में उसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए हर टेंस का अपना रूल होता है और उसी के अकॉर्डिंग रूल के हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जिसका टेंस बिल्कुल पक्का हो जाता है, टेंस इज द बेस ऑफ एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितना भी ग्रामर है ट्रांसलेशन है उन सब में टेंस ही सबका बेस होता है, आधार होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सारी क्लासेस जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आगे जितना भी ग्रामर ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया उन सब में टेंसेस का ही एक मेन फंक्शन है, जिसका टेंस क्लियर हो जाएगा वो अच्छे से इनको समझ ले वो सब उन क्लासेस को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि एक तरफ देखिए टेंस का नाम है और रूल्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश कैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाते। तो देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस आता है, 12 टेंस मैंने बताया, 12 टेंस आपने पढ़ने हैं। तो 12 टेंस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते है ये इसकी पहचान होती है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। लेकिन जब इसका रूलिंग क्या है कैसे हम हिंदी से इंग्लिश इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले देखिए जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया है कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है ये सब बातें क्लियर कराई जा चुकी हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यदि एकवचन का कर्ता होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बाय द वे यदि प्लूरल का सब्जेक्ट है तो प्लूरल का सब्जेक्ट यदि होगा तो उसके साथ में खाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट होती है तो एकवचन कर्ता के साथ डज नॉट आएगा, यदि डज नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगती है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एकवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। एक जगह एस या ईएस कहां लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में यदि नेवर आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस में यदि कभी नहीं आता है और कभी नहीं की अंग्रेजी हमें नेवर लगानी है तो नेवर के साथ यदि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो उसमें भी एस या ईएस लगेगा, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है ही नेवर टेल्स ए लाई ऐसे बनेगा। लेकिन सभी और नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट और डू नॉट के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म आता है। एक और ध्यान से देखें क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मेन रोल होता है और यहां पर यूज ऑफ किसका हम यूज करते हैं, हैज हैव
टू, इनके साथ टू लगा होता है या यूज टू का प्रयोग करते हैं? हैज टू या हैव टू का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे मुझे कहना है मुझे अभी खाना खाना है, आई हैव टू ईट द फूड। मुझे स्टेशन जाना है, आई हैव टू गो टू स्टेशन। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, ही हैज टू गो टू स्कूल। इस टाइप से हम उसको बनाते जाएंगे। बट पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। अगर मान लीजिए सेंटेंस में आता है कोई हैबिट फॉर्मेशन किया जाता है, आदत प्रकट की जाती है, वह स्कूल जाया करता है, वे स्कूल जाया करते हैं, माने सेंटेंस वे स्कूल जाया करते हैं, तो दे के साथ में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, दे यूज टू गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम यूज टू और हैज हैव टू का प्रयोग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करते हैं। सेकेंड आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है या तो इन वाक्यों के अंत में ता ते ती होगा, है नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर है यहां पर खाली ता ते ती, उसके बाद गया या गया था या खाया था भी हो सकता है, ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, यदि हमने देखा कि उसका जो सब्जेक्ट है वाक्य का वो एक वचन है या बहुवचन है, तो दोनों के साथ एक ही रूलिंग होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो हम खाली सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बाय द वे यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड नॉट होती है, डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। याद रखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म कहां लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक कहां लगेगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के साथ भी सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे उस वाक्य का कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। वह कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड ए लाई, और वे कभी झूठ नहीं बोले, दे नेवर टोल्ड ए लाई, दोनों में सेकंड फॉर्म लगेगी नेवर के साथ। इसमें भी हम हैड टू या यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। हैड टू का प्रयोग कहां करते हैं? मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे खाना खाना था, आई हैड टू ईट द फूड। यदि मैं ये कहता हूं वह स्कूल जाया करता था या वे स्कूल जाया करते थे, तब मुझे उसमें यूज टू का प्रयोग करना पड़ेगा। वह स्कूल जाया करता था, ही यूज टू गो टू स्कूल। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये बात अलग है, लेकिन पक्षी आकाश में उड़ा करते थे। देखिए मैं कहता हूं पक्षी आकाश में उड़ा करते थे, तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? द बर्ड्स यूज टू फ्लाई इन द एयर। ऐसे हम इसका यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए नंबर थ्री पर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गागेगी होता है। बहुत ही सिंपल होता है, गागेगी है, और यहां पर हम क्या करते हैं, आई बी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम प्रयोग करते हैं विल का। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें आई बी के साथ सेल नॉट और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हमने क्या लगा दिया? विल नॉट लगा दिया। और फर्स्ट फॉर्म पूरे टेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी में क्या लगता है? हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में अवश्य शब्द आ जाएगा, कोई बात क्रोध में बोली जाए, प्रेसराइज किया जाए, कोई दबाव डाला जाए, तो ऐसे वाक्य में सेल या विल चेंज हो जाते हैं, यानी आई वी के साथ विल लगने लगता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में सेल लगने लगेगा। आगे एग्जाम्पल से हम इस बात को क्लियर भी करेंगे। उसके बाद नंबर फोर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बहुत ही इजी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ इज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो इज एम आर के बाद नोट लगाया जाता है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड, तुम मैदान में खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग इन द फील्ड, इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान होती है हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे। तो ऐसे वाक्यों में याद रखिए जब हम इनकी हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वाज नॉट या वर नॉट का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। ये
आप समझ लें कि हमारे 12 टेंस में से 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है मुख्य क्रिया में, तीनों कॉन्टिन्यूअस में और बाद वाले तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और केवल एक परफेक्ट टेंस ऐसे हैं तीनों जिनमें की थर्ड फॉर्म लगती है। शेष प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम पक्के तैयार कर लें तो एमवी उन सभी नौ टेंसेस का हमें मालूम हो गया, 6 टेंस में आईएनजी लगता है और 3 टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। अब आगे हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, एक्सेट्रा ये शब्द आते हैं, वो वाक्य पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। देखिए इसमें रूलिंग क्या है, आई वी के साथ हम लगाते हैं शैल वी, अन्य सभी के साथ लगाते हैं विल बी, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे। बाय द वे सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो शैल बी के बीच में नॉट, विल बी के बीच में नॉट, शैल नॉट बी या विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। इस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव होगा तो शैल या विल वाक्य में क्या की अंग्रेजी शुरू में आएंगे। यदि डब्ल्यू की पावर 8 की पावर एच वाला कोई शब्द होगा, प्रश्नवाचक कोई दूसरा शब्द, क्यों, कहां, कैसे, किसको, तो वो शैल विल से भी पहले लगेंगे। एग्जांपल से बात सारी क्लियर हो जाएगी, 6 टेंस आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं सातवां टेंस जो हमारा होता है। सातवां टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हैज नॉट या हैव नॉट का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो क्या की इंग्लिश वाक्य की शुरू में हैज या हैव आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आदि आएगा। यदि कोई भी प्रश्नवाचक दूसरा शब्द क्या, क्यों, कहां, कैसे, किसको, डब्ल्यू की पावर 8 की पावर एच वाले शब्दों में से यदि कोई शब्द आ जाएगा तो वो हैज या हैव से भी पहले लगेगा। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हैड नॉट लगता है और थर्ड फॉर्म लग जाती है। यदि क्या की अंग्रेजी शुरू में लगानी है तो हैज आएगा, यदि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होगा तो उसकी अंग्रेजी हैड से भी पहले लगेगी। उसके बाद आता है नंबर 9 पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई वी के साथ सेल है, यानी आपने देखा कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल लगाया था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेल भी लगा दिया, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में आई वी के साथ सेल हैव लगाएंगे। जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो वहां इसके साथ बीन और जोड़ देंगे, सेल हैव बीन हो जाएगा। तो आई वी के साथ सेल हैव और अन्य सभी के साथ में विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। यदि वाक्य की शुरू में क्या होगा तो उसकी अंग्रेजी शैल या विल लगेगी, जो भी रूल है उसके अनुसार। और यदि प्रश्नवाचक कोई शब्द होगा वाक्य के बीच में तो उसकी अंग्रेजी शैल या विल से भी पहले लगानी है। उसके बाद आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इसमें समय दिया हुआ होता है, कुछ समय निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं, जैसे सुबह से, 2 बजे से, 1950 से, ये सब निश्चित समय होते हैं। निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाएगा इन वाक्यों में और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाएगा, 4 दिन से, 4 साल से, 2 सप्ताह से, तो ये सभी अनिश्चित समय के अंतर्गत आते हैं, इसमें फोर आ जाएगा। यानी एकवचनकर्ता के साथ, यहाँ पर हमने देखा एकवचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया और उसके बाद यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन आता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगेगा, चाहे एकवचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो। शेष फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस और फॉर, उसी टाइप से निश्चित और अनिश्चित समय के लिए, उसके बाद टाइम आ जाएगा आगे। और यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें हैड नॉट बीन लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर आइए। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आईवी के साथ शैल हैव बीन,
और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे में आईएनजी लगेगा, उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और उसके बाद टाइम आ जाएगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य की शुरू में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी शैल या विल लगेगी, और यदि प्रश्नवाचक शब्द कोई वाक्य के बीच में गिवन होगा तो उसकी अंग्रेजी शैल या विल से पहले लगेगी। बारह टेंसेस का ये कंप्लीट रूल आपको समझा दिया गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं इन सभी सेंटेंसेस को जो कि टेंस के अनुसार हैं यहाँ पर दिए हुए जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं मैं क्लियर करूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस आता है ही ईट्स द फूड, वह खाना खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए एस लगा दिया। यदि यहाँ पर बहुवचन होता, यदि ये होता दे होता तो दे ईट द फूड आता, यहाँ पर फिर एस ना आता, ये नियम मैंने क्लियर करा दिया है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को देखिए ही डज नॉट ईट द फूड, यानी ही के साथ नहीं की अंग्रेजी डज नॉट लगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू नॉट होती है और डज नॉट होती है, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट लगता है। तो यहां पर ही डज नॉट ईट द फूड, और यदि ये बहुवचन होता इसका सब्जेक्ट तो दे डू नॉट ईट द फूड आता। उसके बाद आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल पर, उसने कहा ही एट द फूड, उसने खाना खाया। यदि ये सेंटेंस होता कि उन्होंने खाना खाया तो भी एट ही लगता क्योंकि यहां पर दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाता दे एट द फूड। यदि नेगेटिव होता है ही डिड नॉट ईट द फूड, यदि यहां पर सब्जेक्ट इसका क्या होता प्लुरल होता तो दे डिड नॉट ईट द फूड, दोनों के साथ डिड नॉट आएगा चाहे वो एकवचन हो या बहुवचन हो। उसके बाद यहां पर देखिए एग्जांपल आता है, पांचवा एग्जांपल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ही विल नॉट ईट द फूड, यानी मैंने बताया आईवी के साथ सेल लगाते हैं, अन्य सभी के साथ विल लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगती है, नेगेटिव वाले वाक्यों में विल या सेल के बाद नॉट लग जाता है। तो ही विल नॉट ईट द फूड, यदि यहां पर होता आई तो आई शैल नॉट ईट द फूड, यदि यहां पर नॉट इसमें दिया जाता देखिए तो विल के बाद नॉट लग गया। यदि वाक्य प्रश्नवाचक होता बाय द वे तो यहां पर विल शुरू में आ जाता विल ही नॉट ईट द फूड, और यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं पर दिया होता सेंटेंस के बीच में मान लीजिए क्यों दिया होता तो क्योंकि अंग्रेजी यहां आ जाती वाई विल ही नॉट ईट द फूड और इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता, सभी में ऐसे ही बनता जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सिक्स ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है सेंटेंस ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यदि यहां पर आता आई तो आई एम ईटिंग द फूड, आई के साथ एम लगता है और बहुवचन के साथ आर लगता है, दे आर ईटिंग द फूड। यदि हम जाते हैं किसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो वहां पर हमें रूल के आधार पर देखा है कि एकवचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं, बहुवचन के साथ वर लगाते हैं, तो यहां पर हो गया देखिए एकवचन कर्ता है ही वाज ईटिंग द फूड, यदि दे होता दे वर ईटिंग द फूड हो जाता। उसके बाद आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, इसमें ही विल बी ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा होगा, यदि ये होता वे खाना खा रहे होंगे तो दे हो जाता तो दे विल भी हो जाता, अगर यहां पर आई होता तो आई शैल बी ईटिंग द फूड होता। नंबर नाइन पर आइए ही हैज ईटन द फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पर एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो ही हैज ईटन द फूड, अगर यहां पर दे होता तो दे हैव ईटन द फूड, यदि नोट आ जाएगा तो हैज के बाद में नोट लगा देते, यदि क्या वाक्य के शुरू में आएगा तो हैज यहां पर आ जाएगा हैज ही ईटन द फूड और यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। उसके बाद होता कि वह खाना क्यों खा चुका है तो यहां वाई आ जाता वाई हैज ही ईटन द फूड हो जाता। उसके बाद नंबर टेन पर आइए ही हैड ईटन द फूड बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था, इसमें हैड आ गया और चाहे एकवचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो सबके साथ क्या आएगा हैड ही आएगा। उसके बाद ग्यारहवें सेंटेंस में हम देखते हैं विल हैव लगा है तो विल हैव देखते ही हमने समझ लिया कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जहां पर मैंने बताया कि आईवी के साथ सेल है वरने सभी के साथ विल हैव लगाते हैं, तो ही विल हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम, इसमें ये दो उपवाक्य होते हैं, ये पहला
बनता है फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरा बिफोर के बाद वाला बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ऐसे ऊपर वाले वाक्य में ये बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, ही हैज बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग. ये कौन सा टेंस हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ. यहां पर मैंने बताया था कि एकवचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर और उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और उसके बाद समय लगा देते हैं. यहां पर यदि बहुवचन होता तो यहां हैव बीन आ जाता. उसके बाद देखिए 13 सेंटेंस है, ही हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग. इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है. ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. उसके बाद 14th नंबर पर आता है, ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स. यहां अनिश्चित समय हो गया, देखिए 2 आवर 2 घंटे से, तो इसलिए फॉर लगा दिया. निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं क्या आ रहे थे? सिंस लगाते आ रहे थे. तो ये बना ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स. ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है. यदि यहां पर आई होता तो शैल हैव बीन आ जाता. अब थोड़ा सा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को ले रहा हूं. ये सेंटेंस है, ही नेवर टेल्स ए लाई. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है. तो यहां पर मैंने बताया कि एकवचन कर्ता अगर होगा उसके साथ नेवर का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे. लेकिन इसी टेंस में यदि बहुवचन कर्ता होगा और वर्ब की नेवर लगा रहे होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस या ईएस हटा देंगे, नहीं लगाएंगे. वे कभी झूठ नहीं बोलता है, वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं. ये 17वां सेंटेंस हो गया, ही नेवर टोल्ड ए लाई. वह कभी झूठ नहीं बोला. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें कि नेवर के साथ चाहे वो एकवचन करता हो या बहुवचन करता हो दोनों के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, याद रहे. उसके बाद 19 सेंटेंस में देखिए, ही हैज टू गो टू स्टेशन. उसे स्टेशन जाना है. इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज टू या हैव टू का प्रयोग भी होता है. एकवचन कर्ता के साथ हैज टू और बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग होता है. यानी यहां पर ही हैज टू गो टू स्टेशन, उसे स्टेशन जाना है. आई हैव टू गो टू स्लीप, मुझे सोना है. आई हैव टू गो टू स्टेशन. आई हैव टू कैच द ट्रेन, मुझे गाड़ी पकड़नी है. कुछ भी सेंटेंस हम यूज करते हैं डेली टॉकिंग के, हमारे ये सेंटेंस है रोजाना बात करने के. 21वां सेंटेंस देखिए, आई यूज टू फ्लाई द काइट. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हैबिट फॉर्मेशन होता है, आदत प्रकट की जाती है. ऐसे वाक्यों में यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. तो ये होता है आई यूज टू फ्लाई द काइट. एक बात तो सीधी है, आई फ्लाई द काइट, में पतंग उड़ाता हूं और मैं पतंग उड़ाया करता हूं, तो इसमें हो जाएगा आई यूज टू फ्लाई द काइट. ही हैड टू गो टू स्टेशन, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड टू लगता है. ही हैड टू गो टू स्टेशन, उसे स्टेशन जाना था. आई हैड टू ईट द फूड, मुझे खाना खाना था. ऐसे ही इसमें फिर ये यूज टू हो जाएगा. यहां पर यूज टू था, यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाकर ये यूज टू हो जाएगा. आई यूज टू गो टू स्कूल, मुझे इसमें स्कूल जाया करता था. यहां भी हैबिट फॉर्मेशन है. 24वां सेंटेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ सेल लगा. आई सेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा. अगर ये सेंटेंस हो जाए हिंदी में, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, तो इसमें आई के साथ विल लगेगा, अवश्य की कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होगी. या ऐसे सेंटेंस में कहीं पर आई विल गो टू स्कूल एट वंस आ जाए, इमीडिएटली आ जाए, नाउ आ जाए, तब भी हम यहां पर आई के साथ विल ही लगाएंगे, सेल नहीं लगाएंगे. एक सेंटेंस कभी कभी ये होता है, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा. ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तो वहां पर हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं. अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू और आई वी के साथ शैल हैव टू का प्रयोग होगा. ही विल हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, या तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, या तुम्हें स्कूल जाना होगा. इन तीनों सेंटेंस की इंग्लिश यही होती है. कभी कभी विल हैव टू के प्लेस पर या शैल हैव टू के प्लेस पर हम यहाँ पर मस्ट का भी प्रयोग कर देते हैं. और इसी के साथ ये टेंसेस टॉपिक तुम्हारा समाप्त होता है, जिसमें कि मैंने पूरे 12 टेंस पढ़ाए हैं, सबकी पहचान बताई है, सबका नियम बताया है और सबको एग्जाम्पल के द्वारा मैंने इसको क्लियर कर दिया है. ये फिनिश होता है. थैंक्स.